की सरकार लाने में हमारा योगदान है, उसमें आपका भी नाम था, चौधरी धर्मवीर सिंह का भी नाम था, रमेश कौशिक का भी नाम था, आप कैसा देखते हैं? और अब उन्होंने ये कहा है कि यदि जेजेपी के साथ उनका गठबंधन रहेगा तो वो नहीं रहेंगे पार्टी में। देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी सोच है, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ राजनीति करेंगे, वो उसके बारे में जवाब नहीं नहीं लेकिन इसके अंदर ये जरूरी समझना है कि जो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, कुछ लोग शामिल हुए थे नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के पहले, कुछ लोग हुए थे प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के उपरांत जब सरकार बन गई। लेकिन चाहे वो पहले हुए हों या बाद के अंदर हुए हों, उनका योगदान बीजेपी सत्ता लाने के अंदर पूरा था, इसके अंदर कोई दो राय हुई नहीं। सर, मोमन खान को रिहा कर दिया गया है, अब मोनू मानेसर को लेकर के रणनीति बढ़ रही है कि उनको भी रिहा कर देना चाहिए, हरियाणा सरकार को उनकी तरफ देखना जरूरी है। कोर्ट करते हम तो ये तो पुलिस पकड़ेगी, अपना काम पुलिस करती है, पुलिस ने अपना काम किया, कोर्ट ने रिहा कर दिया। सर, लास्ट क्वेश्चन, भाजपा जटपा का गठबंधन हरियाणा में है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो कह दिया कि अगर गठबंधन रहेगा तो वो नहीं रहेगा, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत किया है जटपा, आप कार्यकाल कैसा देखते हैं दोनों? देखो, जो वीरेंद्र सिंह कहते हैं उसकी मेरा कितनी देखो, ये एजेंडा हमने कुछ दिन पहले तय किया था और सीनियर ऑफिसर चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी साहब समेत, कमिश्नर साहिबान समेत, उन मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने बुलाए थे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ के अफसरान, गुड़गांव के डीसी साहिबान, रेवाड़ी और मेवात के जो मुद्दे थे, गुड़गांव के मोटे मोटे तौर के ऊपर तो हेल्थ का था, सिविल अस्पताल का जो कई सालों से पेंडिंग है, एक मुद्दा था बस स्टैंड शिफ्टिंग का, वो मुद्दा डिस्कस हुआ है, और जैसे सुपर सकर मशीन होती हैं वो उसका अभी नहीं हुआ, तो गुड़गांव म्यूनसिपैलिटी को, कॉरपोरेशन को मिलने, गुड़गांव के तो ये मोटे मोटे मुद्दे थे, रेवाड़ी के मुद्दे अस्पताल के भी थे, झज्जर रेवाड़ी का जो बाईपास है उसके ऊपर जो ब्रिज नहीं बन रहे थे, ब्रिज नहीं बना रही थी उसका जिक्र था, आरएएफ का मेवात के अंदर जिक्र करा हमने, जगह तो तय हो गई इंद्री गांव के अंदर लेकिन उनको पानी की सुविधा नहीं मिल पाई थी, बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई थी, सीवीओ का पैसा कौन भरेगा ये तय नहीं हो पाया था। तो अभी आप जानते हैं मेवात के अंदर कुछ दिन पहले थोड़ा सा हंगा हो गया था, तो आरएएफ कैंप वहाँ पर इस्टेब्लिश करना जो कि पिछले 7-8 साल से लंबित था, उसको सुविधा प्रदान करने के लिए भी मीटिंग के अंदर जिक्र हुआ, तो सारी चीज़ों पे जिक्र हुआ, सकारात्मक मीटिंग हुई और हम उसका एजेंडे का जो कॉपी है हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। सर, कब तक तैयार होगा सिविल अस्पताल, कब तक तैयार होगा बस स्टैंड, क्योंकि मीटिंगों का दौर तो चलता है, लोग कह रहे हैं कि अभी तक ना सिविल अस्पताल बन पाया, साइबर सिटी कहा जाता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। सर, क्या सर, इलेक्शन में ही राव साहब कहते सामने आते हैं, जब इलेक्शन आ जाते हैं तभी सामने आ रहे हैं? इलेक्शन तो अभी 8-10 महीने पड़े हुए हैं और इसके मुद्दों के ऊपर तो मैं ये पहली बार नहीं, कई बार मीटिंग ले चुका हूँ, हरियाणा सरकार से संपर्क इतना जरूरी है, केंद्र सरकार के मुद्दे हैं, हरियाणा सरकार से हमें तय करना पड़ता है, और इन मुद्दों में अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो सीएम साहब की अनाउंसमेंट है, जैसे किसी भी अस्पताल का है 500 बेड का हुआ, 300 बेड का हुआ, फिर अब 700 बेड का हो गया है, ये मतलब फैसला होने में टाइम लग रहा है, और जो नया अस्पताल इन्होंने सेक्टर 10 के अंदर बनाया है वो हमारी जितनी संख्या है, जनसंख्या है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो थोड़ा बहुत हमारे को हरियाणा सरकार से तालमेल रखने के बाद ही सिरे चढ़ता है ना। समय सीमा निर्धारित है, सबकी समय सीमा निर्धारित करवाई है कि किस किस दौरान के ऊपर, किस किस टाइम के ऊपर क्या क्या चीज़ आप, वो सारी चीज़ डिस्कस हुई है, सिर्फ यही नहीं कि हवाबाजी करनी है, चीफ सेक्रेटरी साहब भी वो जो वहाँ के डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको सबको मैंने कहा है कि आप कमिट करो कि आपके ये स्टेजेस कब तक पूरे होंगे, वो स्टेजेस हमारे पास उनकी तरफ से कमिटमेंट आ गई है, उसको हम फॉलो करें। आपके माध्यम से सर, गुड़गांववासी कौन सी तारीख और कौन सा वो प्रसन्न होगा जब तक गुड़गांववासियों को सिविल अस्पताल और बस स्टैंड मिल पाएगा, कुछ आपने कुछ
सन भी क्या अभी भी अगले 5 साल का टर्नओवर रहेगा या इसी साल में पूरा हो जाएगा? देखो हमारे को जो अभी हेल्थ सेक्रेटरी साहिबा हैं उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर हम अपना कंसल्टेटर अपॉइंट कर देंगे। पहले 300 बेड की बात हुई थी, फिर 500 की हुई, फिर 600 की, फिर अब 700 के ऊपर उन्होंने तय कर दिया। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जमीन मिली है उसके बाद उन्होंने उसका विस्तार करके 700 बेड का किया है। कंसल्टेंट अपॉइंट करने के बाद 3 महीने के अंदर कहते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह मिलिट्री में एम्स की स्थापना भी हो रही है, कब शिलान्यास होगा उसका कोई तारीख? हाँ उसके अंदर हम कोशिश नवम्बर में करवा रहे हैं, अक्टूबर अंत तक टेंडर प्रतिक्रिया पूरी हो जाएगी। 10 सितंबर को टेंडर फ्लोट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और अक्टूबर एंड तक उसका फैसला हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर तय। जैसे कॉन्ट्रैक्टर तय हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि शिलान्यास करने की है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की कल रैली थी और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार लाने में हमारा योगदान है, उसमें आपका भी नाम था, चौधरी धर्मवीर सिंह का भी नाम था, रमेश कुशी का भी नाम था, आप कैसा देखते हैं? और अब उन्होंने ये कहा है कि यदि जेजेपी के साथ उनका गठबंधन रहेगा तो वो नहीं रहेंगे पार्टी में। देखो चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी सोच है कहाँ वो रहेंगे, कहाँ राजनीति करेंगे, वो उसके बारे में भी जवाब नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये जरूरी समझना है कि जो लोग बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, कुछ लोग शामिल हुए थे नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के पहले, कुछ लोग हुए थे प्रधानमंत्री डिक्लेयर होने के उपरांत जब सरकार बन गई थी। लेकिन चाहे वो पहले हुए हों या बाद के अंदर हुए हों, उनका योगदान बीजेपी की सत्ता लाने के अंदर पूरा था, इसके अंदर कोई दो राय हुई नहीं। सर मामन खान को रिहा कर दिया गया है, अब मोनू मानेसर को लेकर के रणनीति बढ़ रही है कि उनको भी रिहा कर देना चाहिए, हरियाणा सरकार को उनकी तरफ देखना जरूरी है? कोर्ट करते हैं तो हम तो ये तो पुलिस पकड़ेगी अपना काम, पुलिस करती है, पुलिस ने अपना काम किया, कोर्ट ने रिहा कर दिया। सर लास्ट क्वेश्चन, भाजपा जटपा का गठबंधन हरियाणा में है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कह दिया कि अगर गठबंधन रहेगा तो वो नहीं रहेगा, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत किया है जटपा ने, आप कार्यकाल कैसा देखते हैं दोनों? देखो जो वीरेंद्र सिंह कहते हैं उसकी मेरा कितनी जरूरी है।